गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में एग्ज़ाम से पहले हम लोगों ने चैप्टर 3 तक ग्रामर में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मतलब जो एक चीज़ होती है उसको सिंगुलर, और जो एक से ज़्यादा होंगे तो उसको हम लोग प्लूरल बोलेंगे। जैसे देखो, ये वन बॉय है ना, और ये टू बॉयज़। देखो बॉय के आगे एस लगा दिया, ये ढेर सारे। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब ढेर सारे। तो टू बॉयज़ हो गया। वन गर्ल, फोर गर्ल्स, एस लगा। वन टॉय, ये टॉय वन है और ये कितने हैं, फाइव है टॉयज़। तो टॉयज़ में एस लग गया, लग गया। कार देखो, वन कार है और ये कितनी हो गई, ढेर सारी कार है। तो थ्री कार्स, एस लगा इसमें, है ना। तो जब भी प्लूरल फॉर्म होता है बेटा, सिंगल में तो नहीं, सिंगल में तो सिंगल तरीके से जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, जब प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें उसके आगे एस या ई एस दोनों में से जो लगेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमें करेक्ट वर्ड पे टिक करना है। अब देखो, टिक द करेक्ट वर्ड। ये वन बैग, बैग वन है यहाँ पर, ठीक है। तो एस नहीं होना होगा, बैग ये वाला हो जाएगा, ठीक। टू फैन, नहीं फैंस, क्योंकि ये दो हो गए, ठीक हो गया। अब देखो फिर यहाँ पर देखो, थ्री कप्स, फाइव बॉल्स हुआ, वन क्लॉक, फोर ट्रीज हुआ, ठीक। अब देखो, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। मैंने आप लोगों को लिखवाया था नाउन की डेफिनेशन। नाउन क्या होते हैं, नाउन्स होता है नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड जो होते हैं वो वन भी हो सकते हैं और वन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नाउन्स यूज टू शो वन आर कॉल्ड सिंगुलर नाउन, और जो नाउन शो मोर देन वन, एक से ज़्यादा शो करते हैं, उसको प्लूरल नाउन बोलते हैं। नेमिंग वर्ड कैन बी यूज टू शो मोर देन वन बाई एडिंग एस और ई एस। एस या ई एस लगाने से वो जो नेमिंग वर्ड होता है वो प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे देखो, कार, तो कार्स हो गया प्लूरल फॉर्म। टॉय, ये टॉयज हो गया। बॉक्स, ये बॉक्सेस हो गया, देखो इसमें ई एस लगा है। मैंगो, वन मैंगो है सिंगुलर में, ढेर सारे हो जाएंगे तो मैंगोज हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आप लोग अपनी ग्रामर की इंग्लिश सेकंड की कॉपी ओपन कर लीजिए। और देखिए, मैं दिखवा रहा हूँ, इसको नोट करेंगे, आप देखेंगे इसको। यहाँ देखिए, पहले हम लोग लेसन 4 ऊपर लिखेंगे और जिस डेट में काम करेंगे वो डेट मेंशन कर देंगे यहाँ पर, ओके। फिर हेडिंग डालेंगे चैप्टर का नाम, सिंगुलर एंड प्लूरल। क्या नाम है लेसन का, नाम है सिंगुलर एंड प्लूरल, हो गया। अब देखो, व्हाट इज सिंगुलर नाउन, क्वेश्चन वन, व्हाट इज सिंगुलर नाउन। ना आंसर क्या है इसका, नाउन्स यूज्ड टू शो वन आर कॉल्ड सिंगुलर नाउन। जो नाउन्स किसी एक चीज को बताएं वो क्या कहलाते हैं, सिंगुलर नाउन कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं वो, सिंगुलर नाउन्स कहलाते हैं। व्हाट इज प्लूरल नाउन्स, नाउन्स यूज टू शो मोर देन वन आर कॉल्ड प्लूरल नाउन्स। नाउन्स जो एक से ज़्यादा को शो करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्लूरल नाउन्स बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखेंगे। आप लोगों ने अगर ये नहीं लिखा तो क्या करना है, वीडियो पॉज करेंगे, सिंगुलर नाउन वाला लिखेंगे और फिर प्लूरल नाउन वाला क्वेश्चन लिख करके उसका आंसर लिखेंगे, ओके। अब एग्जाम्पल लिखेंगे और इधर सिंगुलर हेडिंग डालेंगे, इधर प्लूरल। देखो, कार, कार में एस लगाया, कार्स, ये प्लूरल में बदल गया। टॉय, टॉय में एस लगाया, टॉयज, ठीक। ये देखो, ये बदल गया इसमें प्लूरल में, ठीक है। अगर आपको अपने से और भी एग्जाम्पल्स नजर आए तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक। तो चलो, हम लोग आज कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं। अब देखो, एक्सरसाइज, लुक एट द पिक्चर, राइट द नेम्स इन द ब्लैंक्स, एड एस फॉर मोर देन वन नाउन वेयर रिक्वायर्ड। देखो,
पिक्चर देखनी है, पिक्चर का नाम लिखना है, अगर एक से ज़्यादा है तो एस लगाइए, नहीं तो सिंपल लिख दीजिए। देखो ये हैन है, लेकिन यहाँ पर हैन दो हैं, ठीक है, तो एच ई एन और ये एस, हैंस हो गया, हो गया। ये देखो ये बैट है, लेकिन ये सिंगल है, तो ये बी ए टी बैट हो गया, हो गया। अब देखो ये चीटी, एक ही है ना, एंट, ए एन टी एंट। देखो ये एप्पल्स, थ्री एप्पल्स हैं, एक से ज़्यादा है, ए डबल पी एल ई एस, एप्पल्स। हाउस, तो ये एक ही है, ठीक। और ये कैप, ढेर सारी हैं, तो कैप्स हो गया, हो गया। ये प्लूरल फॉर्म। इस एक्सरसाइज को बेटा करेंगे बुक में, है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय।